hello friends वेलकम बैक टू माई चैनल स्पीचर लाभ टेरा कैसे हैं आप लोग आई होप खुश होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे हैप्पी होंगे आज का टॉपिक जो है वो है थर्ड पार्टी के ऊपर और थर्ड पार्टी डेली अपडेट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिश्ता जो है खत्म होने की कगार पर है अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो काफी लोग ये बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ परमानेंट एंड चाहते हैं तो आज आप उसी एनर्जी के साथ ये वीडियो में बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट एंड हो जाए थर्ड पार्टी का तो हो सकता है कि कार्ड्स आपके बारे में कुछ बताएं कि आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी जो है परमानेंट चली जाएगी या नहीं तो एक तरह से आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाएगी ऑल डियर यहाँ पर ये देखेंगे कि आज क्या होने वाला है क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे या फिर इसी थर्ड पार्टी में उलझ कर कहीं ना कहीं रह जाएंगे तो वो सारी चीजों की तरफ हम फोकस करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी का एंड होगा या नहीं होगा आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी पार्टी का सच आएगा या नहीं आएगा आपके पार्टनर के आंखों पर जो इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं जो एक रुकावट डाल रखी है क्या आपके पार्टनर वो सच को देख पाएंगे तो इसी चीजों के साथ में हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और डियर मेरी प्रेयर है आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए ढेर सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आए अगर आपके लाइफ में सेपरेशन चल रहा है तो मैं यूनिवर्स से डिवाइन से प्रे करूंगी कि आपके लाइफ से वो सेपरेशन का जो दो और है वो कहीं ना कहीं हट जाए और आपकी लाइफ जो है पॉजिटिविटी और खुशियों से भर जाए ठीक है बहुत सारी हैप्पीनेस आपके लाइफ में आए मेरे और सब्सक्राइबर आपके लिए ब्लेसिंग है चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का क्या निकल के आता है तो थर्ड पार्टी डेली अपडेट में आज का टॉपिक आपके समझ आ गया होगा ठीक है डियर तो चलिए कोशिश करते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं है ना यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या चीजें निकल के आ रही है क्या आपके लिए हो सकता है वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे डियर ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा बाकी को स्कीप कर दीजिए ठीक है रेजोनेट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है और डियर कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है ओके तो चलिए कार्ड हम निकालने की कोशिश करते हैं एक लास्ट शफलिंग मैं कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए ठीक है डियर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि कार्ड्स हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड करें माइकल सफाइल जो प्लीज यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं सबसे पहले तो डेयर यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ओके डेयर यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है यहाँ पर तीन कार्ड आ गए हैं हाई प्रेस्टेज आया है डेयर साथ में यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्स ओके थैंक यू यूनिव जरूर लिखिए क्योंकि कार्ड्स कुछ इस तरह के बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ छुपा हुआ है वो सब कुछ बाहर आने वाला है और आपके पार्टनर के साथ में जो रिलेशन है जो बंधन है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्ड्स आप ही के सामने है बहुत ऑफर दिए गए बहुत ज्यादा नए नए तरीके से आपके पार्टनर को रिझाया गया है यहाँ पर लेकिन अब ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है जो दोनों के बीच के अंडरस्टैंडिंग है वहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें जो है काफी तक खत्म होती हुई दिख रही है दोनों के बीच में काफी हद तक टावर मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है एक ऐसा कार्ड यहाँ पर निकल आया है डियर जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि टावर मूवमेंट आ गया है बहुत ही ज्यादा टावर मूवमेंट कार्ड देखिए किस तरह के आए हैं यहाँ पर किंग ऑफ वन भी आया है ओके किंग ऑफ वन है फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है डियर यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है देखिये यहाँ पर मून की एनर्जी है क्या बात है है ना कार्ड आप के सामने है डियर क्या बात है यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है नेक्स्ट कार्ड नेक्स्ट कार्ड जो आया है फोर ऑफ कप्स ओके कोई बात नहीं यहां पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है है नेक्स्ट कार्ड यहां से जो आया सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है सिक्स ऑफ वॉन्ट है ओके okay, दो कार्ड और चाहिए और दो कार्ड में मुझे ये दोनों ही कार्ड आए हैं ठीक है एक डेविल को बता रहा है कहीं ना कहीं और एक कार्ड जो है क्वीन ऑफ को बता रहा है ठीक है और अगर हम बॉटम के एनर्जी को देखें तो डीयर बॉटम के एनर्जी से दो कार्ड आए हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी ठीक है तो ये हमारे पास में बॉटम की एनर्जी है आपको दिखाई दे रहे होंगे कि बॉटम के एनर्जी से जो कार्ड निकले हैं वो है थ्री ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स ठीक है तो दोनों ही कार्ड हमारे पास में आए हैं एक सेकंड कार्ड्स को हम सेट कर देते हैं ताकि आपको कार्ड्स दिख सके ठीक है सारे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं बात करी डियर अगर हम बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी का आज क्या होने वाला है ठीक है क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड होगा या आपके पार्टनर के सामने सच आएगा कार्ड्स बता रहे हैं, काफी हद तक चीजें जो हैं ऐसी हो चुकी है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है आप देख लीजिए बहुत सारी चीजें यहां पर निकल के आ रही है सबसे पहले तो आपके पार्टनर के सामने सच आएगा सच रियली एक ऐसा सच आपके पार्टनर के सामने प्रेजेंट होने वाला है जहां पर आपके पार्टनर की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना जो इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं एक अपना ड्रामा करके या मेनुपलेट करके जो एक आप, कहते हैं ना कि छूट की पट्टी जो आपके पार्टनर के आंखों पे बांध रखी है ना वो कहीं ना कहीं हटती हुई दिख रही है वो अब जल्द से जल्द आपके पार्टनर के आंखों पे से हट रही है और जब वो हटेगी डियर किसी के आंखों पे अगर हम पट्टी बांध दे तो वो सच को कैसे देखेगा तो यहां पर ये यह दिख रहा है कि अब वो सच की पट्टी हट रही है और यहाँ पर थर्ड पार्टी खुद खुद यू समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी खुद बर्बाद होती हुई दिख रही है क्यों क्योंकि सच इसका सामने आ रहा ना डियर जो इसने छुपा रखा था जो हिडन एनर्जी थी ना वो बाहर छलांग लगा रही है और ये थर्ड पार्टी को है ना कहीं ना कहीं सबके सामने इसकी सच्चाई आती हुई दिख रही है तो सच सामने आ रहा है थर्ड पार्टी का ठीक है आंखों पर पड़ा हुआ घनघोर अंधेरा जो है वो हटता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर को अब उजाले की तरफ बढ़ना है और उन्हें कुछ चीजें गाइड भी कर रही है कुछ गाइडेंस भी मिल रहा है आपके पार्टनर को यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा के लिए यहाँ पर एंड होती हुई दिख रही है आपको मैं पहले ही बता दू मैं घुमा फिरा के रीडिंग को एंड करते हुए नहीं बोलना चाहूंगी कि आप बने रहे वीडियो पे यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि एंडिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है काफी टाइम से एंड 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 और रिय एंड really हो चुका है बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है रिटर्न हुए हैं क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने जितना आपके पार्टनर को मेनुपलेट किया था जितना ज्यादा इसने अपनी बातों में लगा के रखा था ब्रेन वॉश किया था वो चीजें कहीं ना कहीं कटती हुई दिख रही है अब आपके पार्टनर के ऊपर आपकी एनर्जीज जो है वो हावी होती हुई दिख रही है आपकी जो ओरा है ना वो बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है और उस ओरे का इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है ठीक है काफी लोग यहाँ पर डीएम डीएफ वाली एनर्जी में है कई लोग डीएम है कई लोग डीएफ वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है बात करी जाए तो डियर देखिए ये सिचुएशन का एंड तो यहाँ पर निकल गया है क्योंकि कही न कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही इस रिश्ते में ब्रेकअप चाह रहा है इस रिश्ते का एंड चाह रहा है क्योंकि इसका एक डिवाइन टाइम था ये रिश्ता जो है खत्म होने की कगार पे मुझे दिखाई दे रहा है और देखिये मेरे वीवर्स आपको मैंने क्या कहा कि आपके अंदर एक ऐसी शक्तियां हैं आपको जानने की जरूरत है हो सकता है कि आप अपने अंदर की जो विल पावर है उसे जानते नहीं है आप पहचानते नहीं है कि आपके अंदर का इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है आपके अंदर की जो विल पावर है वो आपको क्या स्ट्रेंथ देती है क्या पावर देती है वो चीज शायद आप जान नहीं पाते हो है ना आपको अभी जरूरत है अपने इंट्यूशन पावर को समझने की अगर आप अपने इंट्यूशन पावर को रियलाइज करते हैं अगर आप अपने इंट्यूशन पावर को काफी हद तक समझते हैं तो डियर हो सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पज को पहचान पाए आपका जो लाइफ पर्पस है जिससे इस थर्ड पार्टी, कही जिस पार्टी ने आपको कहीं ना कहीं बहका दिया है जिससे इस थर्ड पार्टी ने आपको कहीं ना कहीं मेनुपलेट कर दिया है ब्रेन वॉश किया है ठीक है तो यहां पर मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप अपने अंदर की विल पावर अपने अंदर की जो आपके अंदर जो एक अलौकिक शक्तियां है ना उसको आपको पहचानना होगा आपको पहले से ही इंट्यूशन मिल जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है तो ये साइन है कि आपकी अलौकिक शक्तियां जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है आज भी एक्टिवेट है लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं आपको जो गाइडेंस मिलती है आपको जो साइन मिलते हैं काफी साइन तो आपको ड्रीम्स के थ्रू भी मिलते हैं आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको किस तरह के ड्रीम्स आते हैं ठीक है ठीके? क्यों क्योंकि यहां पर कुछ लोगों के ड्रीम्स जो है उन्हें सपने में बहुत बता जाते हैं जिसका मीनिंग शायद आपको नहीं पता है पर अगर आप नहीं जानते हैं, तो गूगल पे सर्च कीजिए कि आपको वो नंबर बार बार क्यों दिख रहे हैं कोई पक्षी अगर आपको दिख रहा है तो वो क्यों दिख रहा है क्या वजह है कोई फ्लावर अगर आपको दिख रहा है या आप देख रहे हैं कि आप पानी में डूब रहे हैं आप जा रहे थे लेकिन सडन आपके साथ में कोई हादसा हो गया है ऐसे ड्रीम्स अगर आपको आते हैं तो आप जरूर जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं आपके साथ में डिवाइन जो है यूनिवर्स जो है कुछ ना कुछ आपको गाइड करना चाह रहे हैं बताना चाहते हैं कि पहले ही सतर्क हो जाओ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना है वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है काफी हद तक दियर आपको किसी हो सकता है कि आपको किसी करीबी रिश्तेदार से है ना कहीं ना कहीं एक कोई खतरा है हो सकता है आपको काफी टाइम से फील हो रहा है ऐसी एनर्जी आई है किसी को ऐसा लगता है कि ये जो मेरा क्लोज है क्लोज फ्रेंड है या घर के ही कोई लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है और ये दिख रहा है कि धोखा मिलेगा आपका जो भी करीबी है कोई रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड सर्कल से है या हसबेंड है या कोई भी है तो यहां से धोखा मिलने वाली एनर्जी है हसबैंड का अगर मैं बोलूं तो हसबेंड ने तो धोखा दे ही दिया आप बोलेंगे कि भाई थर्ड पार्टी को लाके तो उसने इतना बड़ा दे दिया इससे क्या देगा और क्या दुख दे सकता है या क्या दे सकती है सपोर्ट मुझे यहाँ पर मिलता है बहुत सारा प्यार आप लोगों की तरफ से मिलता है इतनी सारी ब्लेसिंग आपके लिए है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है वो दूर हो जाए जल्द से जल्द दूर हो जाए मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि अपना का फर्स्ट लेटर मेंशन कर दिया कीजिए अगर नेम कर सकते हैं तो नेम कर दीजिए मैं आपको हील जरूर कर दूंगी ताकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है काफी हद तक कम हो जाए ओके डियर यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये छुपी हुई बातें जो है वो कहीं ना कहीं सब पर भारी होगी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने जो बातें छुपा के रखी थी जो सीक्रेट छुपा के रखे थे जब इसकी पोल खुलेगी ना जब इन बातों का खुलासा होगा जब ये चीजें लोगों के सामने आएगी ना तो थर्ड पार्टी पे तो बहुत गजब की भारीपन महसूस होने वाला है एक तरह से इसकी बेज्जती बहुत होने वाली है एक तरह से इसको है ना बहुत ज्यादा चीजों को लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत भारी पड़ जाएगा तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब इस थर्ड पार्टी की कुछ सीक्रेट आपके पार्टनर तक आती है या आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की कुछ बातें आती है तो हो सकता है कि यहां पर आपके पार्टनर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए छुपा नहीं पाए कि कैसे क्या क्यों कब कहा हुआ है ना कहते ना चोर की जबान तो लड़खड़ाती है तो वही चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि सब पोल खुलने वाली है खुलासा होता हुआ दिख रहा है गजब खुलासा हो रहा है और डियर यहाँ पर आपके पार्टनर आएंगे क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया कि थर्ड पार्टी के साथ में इनका एंड लिखा है और एंड होना ही है ये एक नियति है जो एक समय को बता रही है कि अब आपके हिस्से का आपने कर्मा भुगत लिया आपके पार्टनर के हिस्से का पार्टनर ने भुगत लिया थर्ड पार्टी के हिस्से का कर्मा थर्ड पार्टी ने भुगत लिया है तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर हो चुकी है और क्यों हुई है क्योंकि आप अवेकन हुए हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने सेक्शन को पहचान पाए हो आप कहीं ना कहीं अपने और को जान पाए हो आपने हो सकता है कि अपनी चीजों को कहीं ना कहीं बहुत बहुत ऐसे लिया है कि आप एक एक चीज को रियलाइज कर रहे थे आप एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे थे इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी है ना आप लगे रहे कहीं ना कहीं किसी टैरो कार्ड रीडर से आपने रीडिंग करवाया किसी टैरो कार्ड रीडर से आपने कोई रिचुअल कराया या फिर कुछ तो ऐसा किया है आपने जिसके बेस पर आपने अपने आप को हील कराया हीलिंग प्रोसेस जैसे मुझसे बहुत लोग अपने आप को हील कराते हैं और उनका पार्टनर जो है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ इंटर भी हो जाता है, है ना जो पार्टनर उनके साथ में ऑन ऑफ करता रहता था आज वो उनके साथ में परमानेंटली जुड़ जाता है ठीक है तो डियर हीलिंग प्रोसेस से भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी से लिया होगा तो हो सकता है कि इसका इफेक्ट आपके पार्टनर पर पड़ा है ओके यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि परमानेंट आप लोगों का रियूनियन होने वाला है परमानेंट थर्ड पार्टी का एंड होता हुआ दिख रहा है और परमानेंट मेरे व्यूवर्स आपका रियूनियन होने का चांसेस हंड्रेड एंड हंड्रेड परसेंट यहां पर निकल के आ रहा है जज यहां पर चीजें यानी एक तरह से समझ लीजिए कि ऐसा होगा कि आपकी दुआएं जो है आप विशेष जो है वो पूरी हो गई है अब ऊपर वाले ने आपके साथ में न्याय कर दिया है उनको आप पर तरस आ गया है और आपके हिस्से में आपका प्यार उन्होंने लौटा दिया है ऐसी चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और डियर आप समझ सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ोगे ठीक है ये तो लिखा ही है कि आप आपके पार्टनर के साथ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो ठीक है बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप जहां पर इतने मनमुटाव आ गए जहां पर इतना ब्रेकअप आ गया जहां पर इतनी दूरी आ गई वो सब चीजें कही कहीं ना कहीं सडन दूर हो जाएगी ये रिश्ता वापस से वैसा हो जाएगा जैसा पहले था तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको पुरानी बातों को नहीं लाना है डियर आपकी लाइफ में जो चीजें हो गई है उन चीजों को लेकर या उन चीजों को बैठ रोना नहीं है चीजों को समझने की कोशिश करनी है है ना जब आप चीजों को समझेंगे जब आप चीजों को रियलाइज करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना अगर आप उसी बातों को ले बैठे रहोगे उसी बातों को लेकर कहीं ना कहीं चीजों के बारे में सोचते रहोगे तो कैसे कैसे तरक्की करोगे आप पार्टनर की तरफ चीजों को समझने की जरूरत है डियर देखिये आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आ, पार्टनर को आपको समझना होगा ठीक है आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है जो कार्ड यहां पर निकला है वो काफी हद तक ऐसा बता रहा है कि आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है जिसे बहुत अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ के लिए जैसे कोई उनको खींच रहा हो क्यों खींच रहे हैं वो आपकी तरफ क्योंकि आपका औरा पॉजिटिव हो चुका है आपने अपने आप को हील कर लिया है आपने अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल लिया है है ना आप अब कोई एक्सेप्टेशन नहीं रखते हैं कोई आपको जरूरत नहीं है आप अब उस पार्टनर को चेज नहीं कर रहे हैं है ना जब आप इस पार्टनर को चेस कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था रनर वाली एनर्जी में था तो ये क्या कर रहे थे ये रनर वाली एनर्जी में थे तो ये भाग रहे थे लेकिन अब यहां पर ये यह दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्शन बहुत है बहुत हैवी एनर्जी है फायर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहां पर और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है और वो भी बढ़ता हुआ अट्रैक्शन है ऐसा नहीं कि अभी अट्रैक्शन है कम हो जाएगा नहीं ये आपसे जितना दूर है उतना इनको और ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है जब तक ये आपके क्लोज नहीं आ जाएंगे जब तक ये आपके पास नहीं आ जाएंगे ये इसी तरह से तड़पते रहेंगे इसी तरह से बेचैन होते रहेंगे पार्टनर आपको मिस करेंगे बहुत ज्यादा मिरर एनर्जी है शायद हो सकता है कि आपको भी आपके पार्टनर के बराबर से याद आए हो सकता है कि आप उसको लेकर ड्रीम्स देखें हो सकता है कि आप उसको लेकर कुछ सपने सजाए है ना वो हो सकता है काफी लोगों की लाइफ जो है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तक आप इस थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे हैं बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है अब चीजें पॉजिटिविटी की तरफ होने वाली है बहुत पॉजिटिव होने वाला है जो भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा और डेयर ऐसा है कि नेम मिलेगा आपको फेम मिलेगा है ना और आपने जो अभी तक मेहनत करी थी हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करते थे बहुत एफर्ट्स डालते थे बहुत ज्यादा चीजों को आपने किया है है ना सेक्रीफाइस किया कि भाई एक ना एक दिन मुझे सक्सेस मिलेगी पर हो सकता है कि आपको उसका उतना रिटर्न नहीं मिला है लेकिन अब क्या हो रहा है अब यहाँ पर हार्ड वर्क आपने जो किया है उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है सक्सेस आपको मिलने वाली है जब आपको सक्सेस मिलेगी ना तो कहीं ना कहीं चीजें जो है अपने आप देखिएगा बहुत जल्द सही होगी क्योंकि आपके हर चीज में सक्सेस आएगी ऐसा नहीं है नेम फेम बढ़ेगा कैरियर में सक्सेस आएगी लव रिलेशनशिप में सक्सेस आएगी मैरिज लाइफ में आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे तो चीजें जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ आपकी अवेकनिंग हो रही है ठीक है आने वाले समय में आपका रियूनियन हो सकता है ऐसे चांसेस हंड्रेड एंड हंड्रेड है शादी हो सकती है कुछ परमानेंट रियूनियन यहाँ पर निकल के आ है तो यहाँ पर तो भाई परमानेंट रियूनियन के साथ में मैरिड लाइफ में आप जाते हुए दिख रहे हो आप इंटर करने वाले हो मैरिड लाइफ में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है रिकंसिलेशन हो सकता है कमिटमेंट हो सकता है और आपको यहाँ पर इलेवन इलेवन नंबर भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा ठीक है ब्लैसिंग आपकी तरफ आएगी डियर वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति आपका बराबर से साथ दे रही है ईश्वरीय शक्ति जो है आपके अच्छे रास्ते आपके लिए खोल रही है और टावर का कार्ड है डियर आपको दिखाई दे रहा है एक ऐसा कार्ड जिसको हम कहेंगे टावर का कार्ड और टावर का कार्ड अगर यहाँ पर आया है तो ये यह यहाँ पर क्या कर रहा है क्या बता रहा है ये टावर का कार्ड डियर यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो टावर का कार्ड है ना आपके रिश्ते से कुछ कार्मिक चीजें जो है उनका एंड होगा जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ चीजें कुछ रिलेशन जो है कार्मिक है और उस कार्मिक चीजों का एंड यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है और जब एक एंड होगा तो एक नई शुरुआत भी यहाँ पर होगी जो भी चीजें आपके लाइफ में टॉक्सिक है जो भी आ, रिलेशन आपके लाइफ में टॉक्सिक है आपका फ्रेंड्स आपके लिए टॉक्सिक है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई आपके लिए टॉक्सिक है तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से हट जाएगा ठीक है यहाँ टावर आने वाला है और टावर कार्ड यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली जाएगी आप देखिए ना यहाँ पर छुपी हुई एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी अचानक से सडन सारे सीक्रेट जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और थर्ड पार्टी को निकलना पड़ेगा और दुख इसको होने वाला है अपने ही जाल में ये फंसने वाली है तो ये यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है तो ये देखिए टावर तो यहाँ पर गजब का आया है और ये टावर का कार्ड ये बता रहा है कि ये टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी के लिए बहुत 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 ज्यादा हैवी है बहुत ज्यादा भारी एनर्जी है थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके पार्टनर से दूर हो सकती है क्योंकि अभी आपके पार्टनर का माइंडसेट ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को सच और झूठ का पता चल जाएगा ना तो और ज्यादा बेचैन होने वाले हैं आपसे मिलने के लिए और ज्यादा परेशान होने वाले हैं आपकी लॉयल्टी को देखकर ओके और एक टावर मोमेंट यहाँ आ जाएगा ठीक है दोनों के बीच में जब ब्रेकअप आएगा दोनों के बीच में जब चीजें खराब होगी तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी मुझे दिखाई दे रही है दोनों ही एक दूसरे से लड़ेंगे थर्ड पार्टी भी और आपके पार्टनर भी और यहां पर टावर तो ऐसा है कि बिजली इनके रिश्ते पे गिरने वाली है दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझने वाले है पूरी तरह से थर्ड पार्टी को निकलते हुए यहां पर मैं देख रही हूं तो पूरी तरह से थर्ड पार्टी को जाना ही पड़ेगा तो परमानेंट जो लोग एंड चाह रहे थे कि थर्ड पार्टी एंड हो जाए परमानेंट तो डियर पहले आप अपने आप को अवेकन कीजिए पहले आप अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं हाई करिए आपको अपनी लो वाइब्रेशन से निकलकर हाई वाइब्रेशन की तरफ बढ़ना है ताकि आपके जो आपकी एनर्जी है वो एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट हो सके ये चीज मुझे दिखाई दे रही है आपको बेमतलब नहीं सोचना है अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं बार बार एक ही बात आपके माइंड में चलती रहती है तो ये क्या है ये एक नेगेटिविटी है जिसका इफेक्ट आपके लाइफ पर पड़ा है वो भी आप अपने रिलेशन को लेकर आपको ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है ये मुझे दिखाई दे रहा है बार बार गलत मैनिफेस्ट नहीं करना है डियर अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है तो आपको गलत मैनिफेस्टेशन नहीं करना है सही मैनिफेस्टेशन करना है ताकि चीजें जो है वो सही हो सके ताकि चीजों का पता चल सके वो चीज यहाँ पर निकल के आ रही है ठीक है और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर आपके लिए इमोशनल होने वाले हैं क्योंकि इमोशनल चीजें यहाँ पर दिख रही थी कि आपके पार्टनर जो है इमोशनल होने वाले हैं लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके इमोशंस को कोई रोक रहा है इनके इमोशंस को कोई बांध के रखने की कोशिश कर रहा है इनके इमोशंस को निकलने नहीं दे रहा है देखिए ना ये कार्ड जो है बहुत उदासी को बता रहा है कि इंसान जो है इमोशंस तो रखता है पर ऐसे इमोशंस है कि जो दुख में डूबे हुए हैं जो तकलीफ में डूबे हुए हैं तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है पॉजिटिव एनर्जी में रहना है डियर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं शादी लव मैरिज दिखाई दे रही है जस्टिस की आ, जस्टिस हो सकता है वो चीज मुझे दिख रही है आप बाहर जाने के बारे में भी कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं हो सकता है कि आपको कोई जरूरी काम आ जाए और सडन आपको कहीं पर ट्रेवल करना पड़े तो यहां पर आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो तो निकल जाएगी बेफिक्र होके आपको उस जगह पर जाना चाहिए कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको काफी टाइम से उस चीज का इंतजार था कि आप वहां पर जा पाएंगे या नहीं हो सकता है आपका कोई इंटरव्यू है हो सकता है आपका कोई सिलेक्शन है और आप जा नहीं पा रहे हैं क्यों क्योंकि थर्ड पार्टी आपके लाइफ में बनी हुई है लेकिन आपसे मैं यही कहूंगी सब चीजों को त्याग के आपको आगे की तरफ बढ़ना है अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आना है तो आएगा ही आएगा क्योंकि जब जब आप इन्हें चेज करते हैं ये भागते हैं एक रनर की तरह लेकिन अब जब आप इन्हें चेज नहीं करेंगे जब आप इनके पीछे नहीं भागेंगे तो ये खुद आपके पीछे पीछे भागेंगे डीयर ठीक है तो वो चीज यहां पर दिखाई दे रही है आपके जो भी विश है आपके जो भी सपने हैं आपके जो भी डिजायर है वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए दिख रहे हैं है ना हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के आ जाने से सारे विशेष सारे सपने आपके टूट गए थे और बहुत सारा नुकसान आपका हो गया था वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है एक बदलाव एक चेंज आएगा क्योंकि यहां पर टावर है और टावर का कार्ड ये बता रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन एक चेंज यहां पर निकलेगा और बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा आपकी जिंदगी बदलने वाली है आप अपने कंट्रोल देखिये आपको यहां पर मैं यही बोलूंगी कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा ठीक है जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनसे बाहर निकलने की कोशिश करनी है और आपको अवेकनिंग के दौर से गुजरना होगा जब आप अवेकन होंगे जब आप चीजों को समझ पाएंगे जब आप चीजों को रियलाइज कर पाएंगे तब जाके आप जान पाएंगे कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके लिए कितना ट्रू है कितना रॉन्ग है वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी ठीक है यहाँ पर एक चीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपको इल्यूजन से बाहर निकलना है जो भी इल्यूजन आपकी तरफ है उनसे आपको बाहर निकलना है जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तो आपके डायरेक्शन को नेगेटिव रास्ते पर ले जाना है ना ही आपको अपने थॉट्स को नेगेटिव रास्ते पर ले जाना है क्योंकि देखिए जब भी कुछ अच्छा होने का होता है तो आपके डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव रास्ते पर चले जाते हैं और डियर आपके अपनी अंतरात्मा जो है उसको भी आपको पहचानने की जरूरत है ठीक है यहां पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है देखिये आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है डियर ठीक है अपनी इनर वॉइस को सुनने की जरूरत है जब आप अपने इनर वॉइस को सुनोगे जब आप अपने चीजों को सुनोगे तभी तो कोई चीज आप जान पाओगे ना कोई तो कंफ्यूजन है डियर यहाँ पर डायरेक्शन को लेकर लाइफ के डिसीजन सोच समझ कर लेना है डियर आपको लाइफ के डिसीजनों को आपको सोच समझ कर लेना है ठीक है आपको मैच्योर बनना है डियर मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप अगर मैच्योर बनते हैं आप अगर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हैंडल करते हैं तो आपको डिसीजन जो भी लेना है ना लेकिन सोच और समझ के ही लेना है ऐसा नहीं कि प्यार में अंधे हो गए और इस तरह का बिहेव करें आगे बढ़ने की कोशिश करना है तो भाई आपको यहाँ पर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा आपकी विश कम्पलीट होगी और मिसिंग uh, एनर्जी यहां पर निकल के आ रही है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है जितना भी इसने करना था कर चुकी है अब थर्ड पार्टी का एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके भाग्य का आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है इस थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश करी आपसे आपका भाग्य छीनने की लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब इस थर्ड पार्टी के दिन शुरू हो रहे हैं अब इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं चीजों को समझना पड़ेगा हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप सफर कर रहे थे हो सकता है प्रेजेंट आपका बहुत खराब रहा हो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है कोई ग्रोथ नहीं थी आपकी लाइफ में कोई खुशियां नहीं थी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी स्ट्रेस बहुत ज्यादा था आपके लाइफ में इसी रीजन से क्योंकि बहुत जल्द चेंज मुझे देखने को मिल रहा है ये सब चीजें आपकी लाइफ में चल रही थी ये सब चीजें आपकी लाइफ में घटित हो रही थी कि आपको आपके पार्टनर को कोई डायरेक्शन नहीं था नेगेटिविटी थी कोई ग्रोथ नहीं थी इस रिश्ते में इसका ही फायदा इस थर्ड पार्टी ने उठाया है आपको अवेकनिंग से गुजरना होगा आप अपने आप को हील करो जब आप अपने आप को हील करोगे जब आप अपने आप पर काम करोगे तो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे डियर आप आपको मैनिफेस्ट कर पाना होगा और वो जरूरी भी है और चीजों को समझने की जरूरत है आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश करें ठीक है बहुत जल्द आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ बहुत सारी अचीवमेंट यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी ओके okay? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ये चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है आप अपने आप को जब हील करोगे आप अपनी ग्रोथ को पहचान पाओगे मैनिफेस्ट करोगे जो आपको चाहिए तो यहाँ पर एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है जब एनर्जी बैलेंस होगी डियर तो बहुत सारी चीजें भी बैलेंस होगी आपकी कोशिश कामयाब होगी और आपकी लाइफ जो है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा यहां बहुत सारी अचीवमेंट यूनिवर्स आपको दिला रही है बहुत सारी अचीवमेंट आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है ठीक है वो चीज मुझे दिख रही है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपके लाइफ में ग्रो करने वाली है फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो आपको बहुत जल्द कुछ ना कुछ मिलने वाला है मगर आपको हिम्मत नहीं हारनी है अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है और डियर जो रास्ता अभी आप चल रहे हैं जिस भी तरह से उस पर आपको कहीं ना कहीं काम करना है क्योंकि अगर आप अपने रास्ते से अपने लक्ष्य से भटकते हो तो चीजें जो है वो कही कहीं ना कहीं खराब हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको यहां तक लाने में डिवाइन का बड़ा हाथ मुझे दिखाई दे रहा है और डिवाइन की तरफ से ही सारी चीजें जो है वो होती हुई मुझे लग रही है डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है देखिए हो सकता है कि आप किसी की पूजा में लगे रहते हैं जिनके भी पूजा में आप लीन है ना वो कहीं ना कहीं आपको मैसेज दे रहे हैं देखिए ये मैसेज दोबारा से आया है एक बार और आया था कि कहीं ना कहीं आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं जिनकी भी आराधना कर रहे हैं जिनके भी बारे में दुआ कर रहे हैं उन्होंने आपकी दुआओं को सुन लिया है और वो कबूल हुई है ठीक है सक्सेस आपको मिलेगी डियर आपके एफर्ट्स जाया नहीं जाएंगे आपने जो काम किया है चाहे वो किसी के थ्रू करवाया है कोई रिचुअल कराया है कोई मैनिफेस्टेशन कराया कोई हीलिंग प्रोसेस कराई है कोई नेगेटिविटी रिमूव कराई है तो डियर देखिए क्या होता है आप बाहर जाकर इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग देखो कई लोगों के मैसेज आते हैं मैडम हम तो बहुत तांत्रिकों के पास गए हैं यहां गए हैं उन्होंने मेरा काफी पैसा खा लिया है लेकिन कोई मुझे लाभ नहीं हुआ है तो क्या होता है कि आप वहां पे हाथ डालते हैं जहां पर आपको ट्रस्ट पहले से ही नहीं है कि चीजें होगी या नहीं होगी बस उनकी बातों में आकर आप पेमेंट कर देते हैं चीजों को समझते नहीं है बाद में वो आपको ब्लॉक कर देते हैं है ना तो कुछ लोग है मेरे पास ऐसा केस आया था कि एक कोई है जो कोई होता है भूत प्रेत बाधा निवारण करके है भूत प्रेत बाबा करके किसी का चैनल है या वो है और उन्होंने उनसे उस लेडी से बहुत सारा आ, हो सकता है कि किसी काम के लिए पर्सनल काम उसने बताया नहीं लेकिन किसी का काम बताया था तो मेरे पास व्हाट्सअप पे मैसेज आया कि भाई उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं और उसने फिर मेरा काम नहीं करा बोल दिया हो जाएगा और फिर जब मैं कांटेक्ट कर रही हूं तो ब्लॉक कर दिया और जब उन्हें उसे धमकी दी कि भाई ऐसा हो जाएगा कि आपके नाम की धमकी करूंगी मैं यूट्यूब में कंप्लेन करूंगी तो भी बहुत सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि गलत तरीके से बताया गया था तो गलत रास्ते पे नहीं जाइए आपको मैं यही कहूंगी कि गलती आप लोग करते हैं और फिर परेशान होते हैं देखो मेहनत का पैसा है गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ठीक है अगर आप लगाते हैं तो सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिए कि आपको कहाँ लगाना है तो ये बताने का मकसद ये नहीं है कि किसी को मुझे नुकसान पहुंचाना है या किसी को बारे में कुछ गलत बोलना है लेकिन बस आप लोग सही रास्ते पे रहिए अगर मेरे नाम से कोई आपको बोलता है कि भाई बाबा जी हैं वहां पर आप को मेरे ही डिस्क्रिप्शन में कई लोग डाल देते हैं नीचे की तरफ कमेंट सेक्शन में कि बाबा जी हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा वहां से मेरा पार्टनर वापस आ गया तो ये सब एक फ्रॉड है तो फ्रॉड से बचने की जरूरत है मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ ठीक है तो किसी को हर्ट करना नहीं है मेरा मकसद ये बताने का ओके तो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मैंने आपसे शेयर की है यहां पर अगर हम कंटिन्यू करें वीडियो को तो डियर आपके बहुत सारे एफर्ट्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रहे हैं है ना तो आपके पार्टनर की तरफ आपको खींचा जा रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है सक्सेस आपको मिलेगा और आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे है ना क्यों निकलेंगे आप क्योंकि आपका पार्टनर रिलीज हो जाएगा आपका पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के बंधन से उसको छुटकारा मिल जाएगा जब पार्टनर निकल जाएंगे सारी झंझटों से तो भाई आपके चेहरे पर तो मुस्कान आनी ही है आपके चेहरे पर तो जो हंसी मुझे दिखाई दे रही है ना अभी से जो कि थर्ड पार्टी निकल गई और जो खुशियां आपको होने वाली है मैं फील कर सकती हूँ कि आप कितने खुश होने वाले हो तो थर्ड पार्टी के निकलते ही आपकी जिंदगी में बाहर आती हुई दिख रही है खुशियों से भरने वाली है आपकी लाइफ आपकी हेल्थ इश्यू जो है वो खत्म हो जाएंगे आपके जो चेहरे से नूर चला गया है वो वापस आ जाएगा बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में पॉजिटिव होने वाली है ठीक है आपकी लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां से डिलीट हो जाएगी ब्लॉकेजेस हट जाएंगे बैलेंस हो जाएगी आपके लाइफ क्योंकि आपकी जिंदगी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी है आपकी जिंदगी आपके अपने के साथ जुड़ी है और आपका अपना जो है आपका लव वंस जो भी है उसके साथ में आप अपनी पूरी लाइफ देखते हैं आपके पार्टनर ही आपकी जिंदगी है आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं एक पल भी आपको उसके बिना अच्छा नहीं लगता है और डियर बहुत टाइम से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं बहुत हाथ पैर मार रहे हैं उलझे हुए हैं फंसा के रखा है थर्ड पार्टी ने पर कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं ठीक है आपके पार्टनर अपने अंदर एक स्ट्रेंथ और पावर लाने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक स्ट्रेंथ और पावर अगर उनके अंदर आती है तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी एनर्जी इकट्ठा कर पाएंगे जिससे वो आपकी तरफ कदम रख सकते जिससे वो आपकी तरफ आ सके है ना यहाँ पर रियूनियन होने के चांसेस हंड्रेड एंड हंड्रेड परसेंट है और क्विक एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से होने वाला है बहुत जल्द ये थर्ड पार्टी जो है उसका एंड होने वाला है तो काफी लोगों ने जिन लोगों ने मुझे मैसेज करा था कि थर्ड पार्टी का एंड यहां पर कर दीजिए तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी का एंड मुझे बहुत नजदीक दिख रहा है थर्ड पार्टी का एंड अब हो चुका है एनर्जी को क्लेम करो फटाफट से और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले और थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि आपका पार्टनर ही था जो इसका खर्चा पानी उठा रहा था या फिर आपके पार्टनर के बल पर ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को हासिल कर रही थी ओके तो डियर वीडियो अगर अच्छा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे